पुलिस ने बदेरा थाना इलाके के 12 और 13 जुलाई की दरमियानी रात हुई चोरी और एक मासूम लड़की के अपहरण की सनसनीखेज घटना का खुलासा किया है। पुलिस ने मासूम लड़की तथा चोरी किया गया 3 लाख रुपए का सामान सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यह जानकारी आज पुलिस अधीक्षक आशुतोष गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों को दी। आपको बता दें कि बदेरा थाना क्षेत्र के मदनपुर गांव में 12 और 13 जुलाई की दरमियानी रात चोरों ने धावा बोलकर लाखों रुपए का सामान और 11 वर्षीय मासूम का अपहरण कर लिया था। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने तहकीकात शुरू की। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस मामले में पुलिस के खोजी कुत्तों से डायरेक्शन मिला था कि बदमाश किस तरफ भागे हैं। डॉग स्क्वाड और एफएसएल की जांच पड़ताल के दौरान पुलिस ने मुख्य आरोपी संतोष व वर्मन और उसके अन्य साथियों को गिरफ्तार करते हुए मासूम बच्चों को भी सकुशल बरामद कर लिया है। आरोपियों को कल न्यायालय में पेश किया जाएगा। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में संतोष वर्मा कटनी का रहने वाला है। उसके खिलाफ लूट चोरी के 20 से ज्यादा केस चल रहे हैं। उसी प्रकार अजय निषाद, राकेश वर्मा, रंजीत वर्मा, अनीता वर्मा सभी कटनी के रहने वाले हैं। आरोपियों के विरुद्ध धारा 363, 365, 368, 457, 380, 376, 376 AV, SC/ST एक्ट और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। विराट 24 के लिए सतना से संपत मिश्रा की रिपोर्ट। 12 और 13 तारीख के दरमियानी रात को थाना बदेरा अंतर्गत जो सनसनीखेज रूप से एक 11 वर्षीय जो बच्ची जो है वो गुम गई थी, उसको जो है सकुशल बरामद कर लिया गया है। और साथ ही साथ में इस अपराध में 363 का मुकदमा कायम किया गया था। उसके तहत 5 आरोपियों को जो कि कटनी जिले के रहने वाले हैं उन सभी को गिरफ्तार किया जा करके उसमें 365, 368, 457, 380, 376, 506, 5/6 पॉक्सो एक्ट और 325 SC/ST एक्ट का इजाफा करके सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया। सर, घटना क्या सामने आई, चोरी की बात सामने आई थी? घटनाक्रम के खुलासे में जो मुख्य आरोपी है इसमें संतोष वर्मन, उसके ऊपर 20 से अधिक मुकदमे हैं चोरी और लूट के। वो उस दिनांक को वहाँ पर चोरी करने आया था, उसने वहाँ पर उस घटनाक्रम को अंजाम दिया और उसके बाद में उस 11 वर्षीय बालिका का अपहरण करके ले गया। अपहरण करने के उपरांत अगले दिन उसने उसको छोड़ दिया। उस आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आज जो है माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। मासूम के साथ दुराचार की बात सामने आई है, किस तरह घटना को अंजाम दिया था? मुख्य आरोपी के द्वारा जो नाबालिग लड़की है उसका अपहरण किया गया और साथ ही साथ में उसके साथ में गलत काम भी किया गया। इसी की वजह से पुलिस ने धारा 376 और पॉक्सो एक्ट का इजाफा किया। सर, कुल कितने का मसूल का जब्त किया गया? टोटल जो चोरी जो सामान गया था उसमें से बरामदगी की गई है, 3 लाख रुपए का मसूल का जब्त किया गया है। साथ ही साथ में घटनाक्रम में प्रयुक्त अपाचे मोटरसाइकिल, उसको भी पुलिस ने बरामद किया। सर, पुलिस पहुंची कैसे वहां तक, आरोपी तक कैसे पहुंची? पुलिस जो है अच्छी दक्षीय विवेचना पुलिस के द्वारा की गई, लगातार जो है पुलिस इसमें मेहनत कर रही थी। गंभीर किस्म का अपराध था, बैक ट्रैक करते हुए बैक चैनल से इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर किया गया और उसी का नतीजा है पुलिस की मेहनत का कि आज जो है वो 5 आरोपी जो है वो पुलिस की गिरफ्त। सर, डॉग स्क्वाड की बात आपने की रहती थी, किस तरह मदद किया इस खुलासे में? जैसे ही इस घटना की सूचना मिली थी तो उसके उपरांत वहाँ पे डॉग स्क्वाड और FSL की टीम को भी भेजा गया था। डॉग स्क्वाड के द्वारा जो हमारा डॉग है उसने ये चीज़ हमको एक डायरेक्शन बताया था ट्रेस करके कि किधर की तरफ से आरोपी भागे होंगे। उस चीज़ को हम लोगों ने लिया और उसी का नतीजा है आज कि हम लोग जो है सफल हो सके। सर, जो अपराध हुआ है, आपका मासूम का अपराध हुआ था, उस पर कितने लोग शामिल थे? संतोष था मासूम के जो अपहरण हुआ है, अपहरण करने के लिए संतोष बर्मन उसमें मुख्य आरोपी है, उसके उपरांत